मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पे वो अधिकारी जो जनता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं या उनके खिलाफ कोई शिकायत मिलती है उनके ऊपर एक्शन लेते डॉक्टर मोहन यादव लगातार दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि शुरुआत में ही डॉक्टर मोहन यादव ने यह बात साफ तौर पर कही थी कि अगर कोई भी अधिकारी जनता के साथ आम नागरिक के साथ दुर्व्यवहार करता दिखेगा तो वो उसके ऊपर एक्शन लेंगे। और कुछ ऐसा ही करते हुए अपने लगभग डेढ़ महीने के कार्यकाल में डॉक्टर मोहन यादव दिखाई दिए हैं। पूरा मामला आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम की कुर्सी संभाली और उसके बाद उनका जो पहला बयान आया था उसमें उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि अगर जनता का काम समय पर नहीं हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी डॉक्टर मोहन यादव उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो जनता का काम नहीं करेंगे, जिनसे जनता को परेशानी होगी। और ऐसा ही कुछ डेढ़ महीने के कार्यकाल में होता भी दिखाई दिया है। शुरुआत करेंगे गुना से। तो दिसंबर के महीने में गुना में एक बस हादसा हुआ, डंपर के साथ बस की टक्कर हुई जिसमें कई जाने चली गई। आपको बता दें कि इस बस हादसे के बाद गुना के एसपी से लेकर कलेक्टर तक का तबादला करवा दिया गया। डॉक्टर मोहन यादव खुद गुना पहुंचे, उन्होंने वहां पर जिम्मेदार अधिकारियों को सजा दी और तो और जो घायल हुए थे, जो मृतक थे, उनके परिजनों से मुलाकात भी की। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि साल की शुरुआत में शाजापुर के कलेक्टर डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा नप गए। आपको बता दें कि शाजापुर के कलेक्टर किशोर कन्याल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें वो एक ड्राइवर के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद डॉक्टर मोहन यादव एक्शन में आए और तो और किशोर कन्याल जो कि शाजापुर के कलेक्टर थे उनका भी तबादला कर दिया गया। इतना ही नहीं, हाल ही में तहसीलदार मैडम का वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो किसान के साथ अपशब्द का प्रयोग करते हुए दिखाई दी थी। इस वीडियो के भी वायरल होने के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने एक्शन लिया था और जो तहसीलदार थी उनको उनका तबादला कर दिया था। वहीं अब आपको बता दें कि उमरिया जिले के बांधवगढ़ एसडीएम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें वो युवकों के साथ बेरहमी से मारपीट करते हुए दिखाई दी। आपको बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें एसडीएम की गाड़ी ओवरटेक करने की सजा एसडीएम ने युवकों को इस तरीके से दी कि जो युवक थे जिन्होंने गाड़ी ओवरटेक की थी वो अस्पताल पहुंच गए। इस वीडियो के भी वायरल होने के बाद डॉक्टर मोहन यादव एक्शन में आए और उन्होंने एक्शन लेते हुए एसडीएम को फिलहाल पद से हटा दिया है। कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है, मामले की जांच हो रही है। कुल मिला के आपको बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव लगातार अधिकारियों के प्रति सख्त रवैया रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसे अधिकारी जो जनता का काम नहीं करेंगे, योजना जनता तक नहीं पहुंचाएंगे और जो जनता के साथ बदसलूकी करेंगे उनको वो सबक सिखाएंगे। फिलहाल तस्वीर तो ऐसे ही दिखाई दे रही है। मोहन यादव के एक्शन पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।